इसके द्वारा हम क्या डिटरमाइन करेंगे लेकिन उन कंपाउंड्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए तभी आपके बाइफिनाइल्स एलिन्स और कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर पाएंगे तभी हम उनके अंदर आर और एस कॉन्फिग्रेशन को डिटरमाइन कर पाएंगे

आपकी जो ये प्रॉपर्टी है दैट इज द एट्रोप आइसोमेरिज्म सिर्फ तभी चल सकती है अगर हम इस फ्री रोटेशन को रोक दें हम इस फ्री रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दें करेंगे कैसे रेस्ट्रिक्ट वो अभी हम आगे आपको बताएंगे सो द टाइप ऑफ ऑप्टिकल टेक्स प्लेस इन बाइफिनाइल्स ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड ऑल्सो इन एलिन्स वेयर ऑलरेडी हैव द टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट विथ द सेम कार्बन एटम इन्हें आप कहते हैं कूमुलेटेड डाईंस भी कह देते हैं आप इन्हें क्योंकि इफ द टू डबल बॉन्ड आर एमर्ज फ्रॉम द सेम कार्बन एटम आपको दिख रहे हैं एक ही कार्बन से दो दो डबल बॉन्ड आपको एमर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सच टाइप ऑफ आपकी डाईन्स आर कॉल्ड इज दूमुलेटेड डाईंस आपने पढ़ा था ना कि आपकी जो डाईन्स होती है वो थ्री टाइप्स की होती है कंजुगेटेड जब डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट हो डबल सिंगल डबल तो वो आपकी कंजुगेटेड आई थी नेक्स्ट आपने पढ़ा था आइसोलेटेड आई जब दो डबल बॉन्ड के बीच एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड हो जाए जैसे डबल फिर सिंगल 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 फिर कहीं डबल आ जाए लेकिन अगर डबल बॉन्ड इकट्ठे हो डबल और फिर डबल जैसे आपको यहां पर दिख रहा है और ऐसे कंपाउंड को आप एलिन्स कहते हैं और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में में जो जो आपको दिख रहा है, जो आपके है, आपके एंड कार्बन एटम उनके ऊपर अगर हर जगह एच होता एच 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 और एच तो आप उसे एलिन कहते एस नहीं लगाते लास्ट में एलिन कहते लेकिन अब ये सब्सटीट्यूटेड एलिन है आपके हर जगह एच नहीं है आपको दिख रहा है अब टॉप वाले एंड कार्बोनेटम को देखें उसके ऊपर एच के साथ बोलो क्या लगा हुआ आपको दिख रहा है वहां पे इथाइल ग्रुप देखो इथाइल ग्रुप दिख रहा है नीचे वाले पे देखिए एच नहीं है वहां पे क्या है बोलो आपका CH3 और बोलो क्या है NO2 है तो मींस आपके अब हर जगह एच नहीं है सो द सब्स्टिट्यूटेड एलीन कॉल्ड एलीन्स आप उन्हें क्या कहते हैं एलीन्स तो यहां पर भी जो तीन कार्बन एटम है इनके बीच में डबल बॉन्ड आने की वजह से रोटेशन यहाँ पर भी क्या हो चुकी है रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है जैसे हमने बाईफिनाइल में बताया कि वहां पर भी रोटेशन क्या होनी चाहिए रेस्ट्रिक्ट रो, रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्ट कैसे हो अदरवाइज तो फ्री रोटेशन हो जाएगी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट तभी हो सकती है अगर हम बल्कि ग्रुप लगा दें कहां पर लगा दें एट द ऑर्थो दोजीशन देखो यहां पे हमने एनो टू ग्रुप लगाया एक रिंग में ऐसे दूसरे रिंग में भी देखो टू बल्कि ग्रुप हमने लगा दिए तो इन बल्कि ग्रुप के आने की वजह से आपके जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगी रेस्ट्रिक्ट लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है क्योंकि हर चीज यूनिवर्स में क्या होना चाहती है स्टेबल तो जो ये ये दो रिंग हैं दोनों एक प्लेन में नहीं होंगे क्योंकि अगर ये एक प्लेन में होंगे तो ये जो बल्कि ग्रुप है इनके बीच में हो जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ये एक प्लेन में होते ध्यान दे अगर ये एक प्लेन में होते तो दोनों बेंजिन रिंग का देखो मैं जो साइज दिखाता देखो ऐसे दिखाता मैं बिल्कुल सेम साइज देखो बड़े ध्यान से देखेंगे आप देखो इस टाइप से दिखाते हैं हम ये है सेम प्लेन में लेकिन हमने क्या शो किया देखो हमने एक बेंजीनरिंग को तो देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाया जो प्लेनर में सीधा दिख रहा है दूसरे रिंग को देखो, हमने थोड़ा ऐसे जब हमने इनकी के यहां पे क्या लगा दिए थे बल्कि ग्रुप ताकि इन बल्कि ग्रुप्स के बीच अब स्टेरिक जिसकी वजह से फ्री रोटेशन होती है और फ्री रोटेशन होके ये रोटेशन वहां पर जाके रुक जाएगी जहां पे अब इन बल्कि ग्रुप्स के बीच में क्या हो स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो तो वो दैट इज द स्टेबलेस्ट पोजीशन और वो पोजीशन कौन सी है व्हेन दीस टू फिनाइल ग्रुप्स व्हेन दीस टू बेंजिन रिंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्लियर हो गया तो मींस आपके जो एटरो है इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म

दो रिंग है देखो आपके ये स्क्वेर हमने दिखा रखे हैं दो वन रिंग जैसे साइक्लोब्यूटेन रिंग अदर वन इज देखो दैट इज द साइक्लोब्यूटेन अदर वन इज ऑल्सो साइक्लोब्यूटेन रिंग इनके बीच में दोनों रिंग के बीच में एक ही कार्बन कॉमन है और ऐसे कंपाउंड का बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कहते हैं तो इन बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर भी आपकी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी जो ये दो रिंग है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे जो दो रिंग है बाईसाइक्लिक जो रिंग है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे परपेंडिकुलर भी कब होंगे वही सेम कंडीशन जो हमने आपको बताया था कि आप बल्कि ग्रुप्स लगा देंगे जैसे आपने यहाँ पे क्या लगा दिया एक इथाइल एक एच लगा दिया दूसरी जगह एनओ टू लगा दिया आपने सी एस थ्री ग्रुप लगा दिया मीनस आप कुछ ग्रुप लगाते है, तो ग्रुप हैं तो इन ग्रुप्स के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस होती है तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए ये जो दो रिंग है

इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन बातें मैंने साथ, साथ बता ही के साथ बताई कि ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कब होगी उसके साथ साथ कुछ और बातें भी हैं एट्रोपाइसोमिज्म को स्टडी करने के लिए वो कंडीशन क्या क्या है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि व्हाट आर दी कंडीशन लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको बता दे कि जो एट्रोपाइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी है ये सबसे पहली स्टडी किस में की गई थी द फर्स्ट एग्जाम्पल नोटेड है एट्रोपाइसोमेरिज्म इज सिक्स सिक्स डैश डाई नाइट्रो डाई फेनिक एसिड अगर हम एनो टू ग्रुप ना लगाते किसके अंदर आपके जो बाइफिनाइल्स है उनके अंदर जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका तो वो डाइफेनिक एसिड था अब हम देख, देख देखो नंबरिंग करें देखो वन टू थ्री फोर फाइव और देखो सिक्स के ऊपर नाइट्रो है। ऐसे दूसरे रिंग में नंबरिंग करें एसिड ये पहला वो कंपाउंड था जिसके अंदर एट्रोपाइसोमिज्म प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया था अब हम देखेंगे कंडीशंस वो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए वो कौन सी खास चीज होनी चाहिए बाइफिनाइल्स में या में, या में में स्पायरो कंपाउंड्स ताकि ये प्रॉपर्टी को शो कर पाए पहली कंडीशन तो हम डेफिनेशन में ही देख चुके हैं दैट इज बोलो क्या थी वो कंडीशन मींस देयर मस्ट बी द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन बाइफिनाइल्स और द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आल्सो इन एलिन वहां पे अपने आप ही हो जाएगी क्योंकि वहां पे दो दो डबल बॉन्ड है सेम कार्बन और इन स्पाइरो नो प्लेन ऑफ सिमिट्री आप ध्यान से देखें ऐसा संभव कैसे है ऐसा तभी हो सकता है जैसे सबसे पहले हम बताते बाई फिनाइल्स के बारे में बाईफिनाइल में आप देखें आप हमने जो दो बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस किए हैं देखो और पोजीशन पे वन इज़ द टू डिफरेंट ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस किए टू डिफरेंट क्यों अगर दोनों ही एन टू होते या दोनों ही सीओ एच होते देखो रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट हो जाती क्योंकि बल्क की ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कर दिए रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाती दोनों बेंजिन रिंग दोनों फिनाइल ग्रुप एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो जाते लेकिन इस मोलिक्यूल के अंदर हो जाती प्लेन ऑफ सिमिट्री लेकिन अब क्योंकि एक ग्रुप हमने एनओ टू लगाया दूसरा सीएच तो आप देखिए ध्यान से अगर हम बीच में से देखो डोटेडोटेड लाइन आपका शो करें दैट इज द इमेजनरी प्लेन क्या ये इमेजनरी प्लेन इस एक अकेले रिंग को जो लेफ्ट साइड वाला रिंग है क्या इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है नहीं क्योंकि एक साइड में एनओ टू है दूसरी साइड में सीएएच अगर दोनों साइड में एनो टू होता देखो अगर ये सीओ एच ना होके अगर यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे एनो टू तो इस रिंग के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कब नहीं होगी जब हम जो मोलिक्यूल के अंदर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो हमें करनी है अराउंड द सिंगल सिंगल बॉन्ड उसके लिए जो हमने बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस करने इन द सेम रिंग दैट मस्ट बी डिफरेंट वो डिफरेंट होने चाहिए जैसे हमने यहाँ पे एक एनो टू ग्रुप लगा दिया दूसरा सीओ एच

इथाइल ग्रुप अगर आप इस अकेले आधे रिंग को देखते हैं, तो इसके अंदर क्या देखो प्लेन देखो इमेजिनरी प्लेन से क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है नो देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि हमने टू डिफरेंट ग्रुप इंट्रोड्यूस किए हैं तो दैट इज द कंडीशन के नन रिंग और नन ऑफ द पार्ट इन बाइफिनाइल और एलिन्स और द स्पाइरो कंपाउंड है द प्लेन ऑफ सिमेट्री इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए वो कब नहीं होगी जब हम डिफरेंट टू डिफरेंट बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट मोलिक्यूल शुड बी डिसमेट्रिक मोलिक्यूल डिसमेट्रिक होना चाहिए अब डिसमेट्रिक का मतलब क्या मोलिक्यूल भी पूरा डिसमेट्रिक हो डिट्रिक मीन फॉर एग्जाम्पल अब आप बड़े ध्यान से देखें ये जो कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया है इस कंपाउंड के अंदर ओवरऑल भी हमें देखना है कि वो उसके अंदर स्मिट्री नहीं होनी चाहिए मीन्स मोलिक्यूल शुड भी बोलो क्या होना चाहिए मोलिक्यूल शुड बी डिसमिट्रिक अब देखो अगला पॉइंट देखें फिर हम साथ के साथ बताते हैं फॉर दिस देयर शुड बी डिफरेंट सब्स्टिच्यूएंट ऑन द रिंग

ऐसे आप एलिन्स में देख सकते हैं एनओ टू अदर वन इज दी एस थ्री सिमिलरली आप स्पायरो कंपाउंड में देखिए वन इज द एनओ अदर वन इज दी एस थ्री एंड सो ऑन और बाईफिनाइल और स्पायरो कंपाउंड में ये आपकी एट्रोपाइसोमेरिज्म आपकी पॉसिबल कब होगी हमने पहले भी बताया दिस इज पॉसिबल व्हेन दिस टू फिनाइल ग्रुप्स टू बेंजीन रिंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और परपेंडिकुलर जब ये हो जाएंगे एक दूसरे के तो फिर इनके अंदर कोई सिमिट्री नहीं रहेगी देखो फिर बताते हैं अब बाईफिनाइल की तरफ ध्यान दे बाईफ में अगर ये दो रिंग ध्यान दें अगर ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में होते तो देखो आप क्या कहते आपने पढ़ा है ना सेंटर ऑफ सिमिट्री के बारे में ये जो पूरा मोलिक्यूल है इस मोलिक्यूल में देखो ये मैंने देखो बीच में देखो एक डॉट लगा दी दे, देखो डौट, ये डॉट ये डॉट लगा दी यहां से आप टू लाइन स्टार्ट करें एक तो आपके देखो ऊपर की तरफ आप लेके गए और एक बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शन में आप लेके जाएं दे मीट विद द सेम ग्रुप इफ द टू लाइन आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन एट 180 डिग्री एंगल एंड दे मीट विद द सेम ग्रुप देन दMolecule विल हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री देखो NO2 उधर भी NO2 मिला ऐसे ही अगर ऊपर की तरफ चले बोलो इधर कौन से

आपकी जो रोटेशन हुई रोटेशन होने के बाद दोनों रिंग उस स्टेबल पोजीशन के ऊपर जाके रुक गए जहां पे इन बल्कि ग्रुप्स के बीच स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम थी

बाईफ और स्पायरो कंपाउंड के, के क्या होने चाहिए परपेंडिकुलर होने चाहिए ताकि उस मोलिक्यूल के अंदर सेंटर ना रहे। और वो अपने आप चले भी जाएंगे इट इज ऑफ द यूनिवर्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्स टू गेट स्टेबिलाईज इसके बाद नेक्स्ट हमने जो बताया जो पॉइंट नंबर देखो थर्ड है अब हमारा देर शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन बिटवीन द टू फिनाइल और बाई फिनाइल्स एंड द इन द बाइसाइक्लो कंपाउंड के अंदर जो दो रिंग है जिनमें एक ही कॉमन कार्बोनेटम है उनके बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए और वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन फर्दर हम और कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं देखो बल्कि ग्रुप हमने और पोजिशन पे तो लगा ही दिए उसके साथ साथ और भी जो फर्दर आगे की पोजीशन है उन पे भी अगर हम बल्कि ग्रुप लगा दें तो रो, रोटेशन जो है बिल्कुल ही रुक जाएगी और स्टेबल पोजीशन के ऊपर जाके रुक जाएगी ये बात आप जरूर ध्यान रखें ये नहीं कि वो सेम प्लेन में है दोनों रिंग और वहीं पे रुक गई मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को बार बार के दोनों रिंग एक दूसरे के प्लेन में होते हैं तो जो बल्कि ग्रुप जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पोजिशन पे उनके बीच में स्टेरिक ज्यादा होगी जैसे आप मेरे दोनों हैंड्स को देखें मेरे थंब को देखें अगर प्लेन में है दोनों हैंड तो देखो थम थम के नजदीक आगे रिपल्शन अगर मैं दोनों हैंड को परपेंडिकुलर कर दूं तो एक थम तो वहीं पे रहा दूसरा देखो उससे दूर चला गया परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ तो दो थम हो गए ना एक दूसरे से दूर मीन्स इनके बीच क्या हो गई रिपल्शन कम से कम स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा तो दोनों जब हम बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से दो रिंग एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले जाते हैं और वहीं पे जाके वो रुक जाएंगे। अब दोबारा से अपने प्लेन के अंदर वो नहीं आ पाएंगे आएंगे फिर से उनको स्टेरिक ग्रुप से उनको मिलेगी की वजह और उसके बाद चाहे वो हो चाहे वो आपके कौन से होते बाइसाइक्लिक कंपाउंड ऑलरेडी ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहती है क्योंकि वहां पे दो दो डबल बॉन्ड पहले से ही हैं तीन कार्बन के बीच तो इसीलिए हमें कोई भी बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं भी करते हैं हम तो यानी सब्सटीच्यूएंट के साइज से फर्क नहीं पड़ेगा एलिन आपसे पूछा जाए बाईसाइक्लो कंपाउंड कौन है स्पाइरो बाईफिनाइल्स या एलिन इनमें से वो कौन से कंपाउंड है जिनके अंदर रोटेशन जो है रेस्ट्रिक्ट अपने आप ही हो जाती है एंड वो डिपेंड नहीं करती किसके ऊपर नेचर ऑफ द या साइज ऑफ द सब्सटीच्यूएंट इंट्रोड्यूस्ड जो हम ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे उसके साइज के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता वो कौन है वो आपके वो आपके दी है लिया से। यहाँ पे तो हमने बल्की लगा देखो एक एनो टू एक सी एच अगर यहाँ पे बल्कि ग्रुप ना होते अगर यहाँ पे स्मॉल एटम होते इफ द ग्रुप आर स्मॉल देखो हमने स्मॉल लगा दिया एच एच लगा दी द ग्रुप आर स्मॉल एट दर्थोपोजिशन ऑफ द बाई इन द बाई फिनाइल्स इन द फिनाइल रिंग्स तो क्या होता देन रेसिमाइजेशन के नक्कर मिस कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता क्योंकि फ्री रोटेशन होती रहती वो घूमते रहते देखो जैसे आपको दिख रहा है अब देखो हो गए ना देखो तो परपेंडिकुलर ध्यान से देखें जो मूवेबल हमने पिक्चर दिखाई क्यों हुए अगर बल की ग्रुप है तो बल्कि नहीं है तो दोबारा से एक प्लेन में आ जाएंगे अब तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी आप देखें देखो कैसे रोटेशन हो रही है दो रिंग्स के बीच में हो रही है ना फ्री रोटेशन क्यों हो रही है ड्यू टू द द ऑफ स्मॉल ग्रुप स्मॉल ग्रुप होगा तो हम इस कंपाउंड के अंदर कोई कॉन्फिग्रेशन बता ही नहीं पाएंगे जो हमारा अगला एम होगा ये सारी चीजें बताने के बाद के रोटेशन कब होती है रेस्ट्रिक्ट उसके बाद हम निकालेंगे आर और एस कॉन्फिग्रेशन इन ऑल दीज थ्री कंपाउंड्स लेकिन वो आर और एस कॉन्गेशन हम सिर्फ तभी तो बता पाएंगे जब रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाए तो रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कब होगी बाईफिनाइल्स में वही हम बता रहे हैं अगर स्मॉल ग्रुप होंगे तो रोटेशन लगातार होती रहेगी जिसकी वजह से जो कंपाउंड है उसके अंदर रेसिमाइजेशन हो जाएगी कभी तो आर कॉन्गेशन दिखा रहा है कभी एस क्योंकि देर देर इज द फ्री रोटेशन तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर हम क्या करें जो इफेक्ट ऑफ रेसिमाइजेशन के ऊपर कैसे पड़ता? अभी हमने बता दिया कि अगर आपके एटम छोटे हैं, जैसे हमने लगा आपको शो कर रखे हैं तो क्या होगा बट इफ दब्स्टिट आर फर्दर प्रेजेंट एट थ्री एंड थ्री डैश और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन बाइफिनाइल गेट रेस्ट्रिक्टेड एंड स्टडी द प्रोपर्टीरिज्म जैसे हमने ये अभी दोबारा से आपके सामने ड्रा किया अब यहाँ पे हमने बल्कि ग्रुप्स लगा दिए हैं कौन सी पोजिशन पे बोलो बल्कि ग्रुप लगा रखे अभी तक वन टू और आपके कौन सी पोजिशन के ऊपर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टू और सिक्स के ऊपर है अगर हम फर्दर देखो नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स देखो हमने नंबरिंग की थ्री के ऊपर फिर से बल्कि ग्रुप लगा दिया एस फाइव के ऊपर और बल्कि ग्रुप लगा दिया सिमिलरली अगर दूसरे रिंग को देखें वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश फाइव डैश सिक्स डैश एन सोन और दोबारा से फाइव डैश और थ्री डैश के ऊपर फिर से बल्कि ग्रुप लगा दिया तो रोटेशन फर्दर गेट रेस्ट्रिक्टेड और इस वजह से अब रेसिमाइजेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों फिनाइल जो रिंग है एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर जाके और वहीं पे रुक जाएंगे अब वहां से फर्दर रोटेशन नहीं होगी रोटेशन गेट रेस्ट्रिक्टेड व्हेन दीज टू फिनाइल ग्रुप अप्रोचेस विद ईच अप्रोचेस एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री क्योंकि वो सबसे स्टेबल पोजीशन है और ऐसे इफेक्ट को कहते हैं बटरेसिंग इफेक्ट बोलो क्या कहते हैं बटरेसिंग इफेक्ट बटरेसिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हमने बल्कि ग्रुप्स को और इंट्रोड्यूस कर दिया थ्री थ्री और जिसकी वजह से क्या हुआ रोटेशन रुक गई और इसी इफेक्ट को कहते हैं बट्रेसिंग इफेक्ट मीन द इफेक्ट इन विज द रेसिमाइजेशन डिक्रीजेज एक ऐसा इफेक्ट जिसमें हमने रेसिमाइजेशन होने ही नहीं दी रेसिमाइजेशन कब होती जब कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है बाइफिनाइल में वहां पे फ्री रोटेशन होती तो फ्री रोटेशन हमने रोक दी मीन रेसिमाइजेशन हमने रोक दी कैसे रोकी द इफेक्ट इन इज द रेसिमाइजेशन डिक्रीजेस ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन इन द रोटेशन अराउंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बाइफिनाइल्स और वो भी कैसे बाय फर्दर इंट्रोड्यूसिंग द बल्की सब्सटी एट थ्री थ्री डैश पोजिशन एंड द पोजिशन इन द टू फिनाइल ग्रुप्स इज कॉल्ड एज द कॉल्डरे इफेक्ट उसे आप क्या कहते हैं उसे आप इफेक्ट कह देते हैं जैसे अभी आपको दिख रहा हमने बल्कि ग्रुप लगा दिए देखो एक दूसरे से कहा जा रहे हैं टू टू रिंग नाउ गोइंग एट डिग्री ईच अदर अब दोबारा से देखें देखो जो दो रिंग थे एक दूसरे के देखो प्लेन में जो थे प्लेन में अब नहीं रहेंगे प्लेन की बजाय देखो अब दोबारा से बोलो कहां पे जा रहे हैं क्योंकि वहां पे रिपल्शन मिली रिपल्शन मिलते ही साथ देखो हो गए एक दूसरे के नाइनटी डिग्री एंगल के ऊपर और इस इफेक्ट को कहते हैं बटरेसिंग इफेक्ट अब हम स्टडी करेंगे ये सारी बातें देखने के बाद ये हमने देख लिया कि रोटेशन कब होती है रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई जो जो एक पार्ट है बाईफिनाइल में उस अकेले एक फिनाइल ग्रुप के अंदर फिनाइल रिंग के अंदर भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए इसलिए टू डिफरेंट ग्रुप हमने लगाए और तो पे दूसरी बात मोलिक्यूल ओवरऑल भी आपका डिसमिट्रिक होना चाहिए मीन उसके अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए वो कैसे करवाई हमने बल्कि ग्रुप को इंट्रोड्यूस करके ही पेबल पोजिशन, पे, पोजिशन, पे पोजिशन मिली और वो हो गई पोजिशन कैसी जब दो फर्दर रोटेशन रुक गई और इसीलिए अब हम आर और एस कॉन्गिगेशन को स्टडी कर पाएंगे तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया बाईफिनाइल का अब हमें देखना है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड की कॉन्गेशन आर है या एस तो हम जो बॉटम साइड है हमारी वहां से हम इस मोलिक्यूल को व्यू करेंगे, the, the अब उसमें क्या करेंगे? अब आस, और ये आपस में भी सेम हो सकते हैं जैसे पहले रिंग में नीचे वाले बॉटम वाले रिंग में आप देखिए एन ओ टू सी एच है यही दोनों ग्रुप ऊपर वाले रिंग में भी हैं क्योंकि हमें जो प्रायोरिटी चेक करनी है जो ऊपर वाला टॉप वाला जो रिंग है आप उसी को हम बेस बना के चल देते हैं हमने ऊपर वाले रिंग में वन टू करना है देखो पहले हम प्रायोरिटी चेक करते हैं जैसे सी ओ एच ग्रुप है उसकी बोलो प्रायोरिटी कैसे चेक करते थे आपने पीछे पढ़ लिए हैं सारे रूल्स अब हम वो दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे मीन्स क्या था प्रायोरिटी विल बी चेक ऑन बेसिस ऑफ द एटोमिक नंबर सी ओ एच ग्रुप में डायरेक्टली अटैच एटम कौन है कार्बन है एनओ टू में कौन है नाइट्रोजन है तो सीधा पता चल गया प्रायोरिटी किसको वन दे किसको को टू दे तो दिख रहा है एनओ टू को वन दे दें सीओ एच को क्या दे दें टू दे दे. फिर भी, आप निकालते कैसे थे? फर्दर देखो बताते हैं में एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन अटैच तो एट प्लस एट एक, एक और एट तो टोटल थर्टी नीचे वाले एनओ टू में देखें तो देखो सेवन नाइट्रोजन अभी से दो ऑक्सीजन अटैच एक डबल बॉन्ड से तो एट प्लस एट एक, एक सिंपल किस चीज से

नाइट्रोजन वाले को वन देंगे एनओ टू वाले को देखो ऐसे टू देंगे ऐसे नीचे दोबारा से यहाँ पे नंबर थ्री देंगे यहां पे नंबर देंगे ध्यान दें पहले ऊपर वाला जो रिंग है उसमें वन टू करेंगे एनओ टू वन सी एच यानी वाले है टू प्रायोरिटी उसके बाद अब नीचे वाले को थ्री फोर देंगे चाहे वो सेम ग्रुप क्यों ना हो अब आपको क्लियर हो गया होगा तो देखें अब हमने एनओ टू को बोलो क्या प्रायोरिटी दी वन देखो हमने उधर वन लिख दिया है अब और टू किस किसको दी सी एच वाले को अब नीचे वाले को देंगे बोलो किसको थ्री, किसको दें वाले वाले को थ्री, CH वाले को हो गया अब अब इसके बाद अगला अब हमें क्या करना है मूव द राइट टॉप कॉर्नर ग्रुप बोलो कौन सा यहाँ पे दैट इज दी ओ एच ग्रुप बोलो कौन था ये सी एच ग्रुप राइट द मूव द राइट टॉप कॉर्नर टुवर्ड्स द राइट हैंड देखो क्रॉस का साइन लगाएं जैसे फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आप करते थे और जो राइट टॉप कॉर्नर है राइट right साइड में टॉप कॉर्नर वाला जो सी एच ग्रुप है इसको किधर मूव कर दें टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड तो प्रायोरिटी नंबर टू वाला राइट हैंड साइड में चला गया उसके बाद द ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट द राइट बोटम कॉर्नर राइट बोटम कॉर्नर के ऊपर उसको कहां पे पहुंचा दें टूवर्ड्स द बोटम उसको देखो फिशर प्रोजेक्शन में बोटम पे लिख दिया मिस प्रायोरिटी नंबर थ्री वाला हमने बॉटम के ऊपर पहुंचा दिया उसके बाद नेक्स्ट लेफ्ट बॉटम कॉर्नर लेफ्ट जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे बोलो कौन है ये सी एच देखो यहाँ पे था उसको कहां पे पहुंचा दे टूअर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इन द दीशर प्रोजेक्शन देखो फोर पोजिशन वाले को वहां पे पहुंचा दिया लेफ्ट टॉप कॉर्नर लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर वाले ग्रुप को कहाँ पे पहुंचा दे एट द टॉप देखो उसको टॉप के ऊपर लिख दिया फीचर प्रोजेक्शन में क्लियर हो गया तो वन टू थ्री फोर हमने पहुंचा दिए फिर हमारा क्या रूल था रिमेनिंग रूल फिर रिमेन द सेम क्या थे नाउ ब्रिंग राइट हैंड साइड तो देखो उसके लिए क्या करें नाउ वी विल डू द इंटरचेंज इन बिटवीन द ग्रुप्स और वो इंटरचेंज हमें वन एटी की करनी है लेकिन ये भी हम पहले ही सीख चुके हैं फीसर प्रोजेक्शन में किन्हीं दो ग्रुप्स के बीच जो एंगल होता है वो नाइनटी डिग्री का होता है इट मींस अब जैसे हमें अब रोटेशन करनी है थ्री और के बीच तो देखो एक ग्रुप आ गया वाले की थ्री, थ्री वाला फोर मीन फोर वाला बोटम पोजिशन पे आ गया ये रोटेशन कितने की हुई 90 डिग्री की इसका मतलब ये नहीं है हम आपको फिर याद दिला दें कि थ्री और फोर के बीच तो सर हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है नो no. वन और थ्री के बीच भी जो एंगल है ये माना गया है जूम किया गया कि प्रायोरिटी नंबर वन और थ्री के बीच देखो ये ये दिखने में भले ही पेपर के ऊपर का दिखता हो बट दैट एंगल इज ऑफ नाइनटी डिग्री टू बी डिग्री मीनस फीसर प्रोजेक्शन में किन्ही दो ग्रुप के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होता है और 90 डिग्री की रोटेशन करने से आपके फीशियर प्रोजेक्शन के अंदर चेंज आ जाता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाएगा अब हमें 190 डिग्री की रोटेशन की है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है हमें एक और 90 डिग्री की रोटेशन करनी होगी और वो से अब वन और टू के बीच इंटरचेंज करेंगे तो जगह टू आ गया अब इसके बाद क्या करते थे नाउ हाइड द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हाइड कर दे नाउ रोटेट द आई नाउ रोटेट द आई अब देखें फ्रॉम द क्या कौन से ऑर्डर में

कि जो आपका राइट टॉप कॉर्नर ग्रुप उसको राइट हैंड साइड में लिखे फिशर प्रोजेक्शन में क्रॉस ड्रा करने के बाद राइट बॉटम कॉर्नर ग्रुप को कहां 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 पे 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 लिखेंगे बोलो जाएंगे उसको उसी टाइप से लेफ्ट टॉप कॉर्नर को लेके एंड सो ऑन ये बातें आपको बता दी गई आप इनको ध्यान रखें और अपनी कॉन्फिग्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल सिमिलरली इसको व्यू करें आप मोलिक्यूल को फ्रॉम वन साइड उसके बाद प्रायोरिटी चेक करें हर ग्रुप की वैसे साफ साफ दिख रही है यहाँ पे तो आपको कि जो Cl है उसको प्रायोरिटी वन मिल जाएगी ऊपर वाले रिंग में और सीएस को टू क्योंकि कार्बन है उधर Cl है लेकिन फिर भी फर्दर प्रायोरिटी कैसे निकालते थे जैसे नाइन लेकिन हमें यहाँ पे तो सिर्फ सिक्स ही देखना है और यहाँ पे क्लोरीन का सेवनटीन एटोमिक नंबर है ब्रोमीन का थर्टी फाइव एटोमिक नंबर है आइडिन का फिफ्टी थ्री है तो ऊपर वाले रिंग के अंदर सीएल और सी एस थ्री में किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी सीएल की तो प्रायोरिटी नंबर वन सी एस थ्री ग्रुप में टू क्योंकि डायरेक्टली लिंक जो आइटम है वो कार्बन था सिमिलरली नीचे वाले रिंग में One, पर वाले रिंग में करने के बाद नीचे वाले को थ्री फोर देंगे तो आयोडीन को क्या देंगे बोलो थ्री और ब्रोमीन को नंबर फोर प्रायोरिटी उसके बाद हम क्या करें नाउ ड्राई क्रॉस क्रॉस ड्रा करेंगे क्रॉस ड्रा करने के बाद जो आपका ग्रुप मूव द राइट टॉप कॉर्नर ग्रुप टुवर्ड द राइट हैंड साइड जो प्रायोरिटी नंबर टू वाला आ गया उसके बाद नाउ मूव द राइट बॉटम कॉर्नर ग्रुप टूअर्ड द बॉटम उसको बॉटम की तरफ हम ले गए उसके बाद लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ग्रुप टूवर्ड साइड इन द फीचर प्रोजेक्शन देखो थ्री वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए नाउ मूव द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ग्रुप दैट दी एल जो था वन प्रायोरिटी ग्रुप था उसको टूवर्ड्स द टॉप लेके जाए अब इसके बाद नाउ ब्रिंग अब आपके रूल चलते हैं आर एस कॉम्बिनेशन के क्या थे कि आपकी राइट right पोजिशन क्या है आपके इन डिफरेंट प्रायोरिटी ग्रुप्स की राइट right पोजिशन है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए बॉटम पे और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए द राइट और द लेफ्ट हैंड साइड लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि हम अक्सर एक ही ट्रेंड लेके चलते हैं वो ट्रेंड हमने क्या लिया कि हाइएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम राइट हैंड साइड में ही लेके चलेंगे तो फूज के लिए क्या करें अब रोटेशन करेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो पहले से ही बॉटम के ऊपर है तो उसको तो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना अब किसको पहुंचाना है हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो टॉप के ऊपर दिख रहा है उसको राइट हैंड साइड में ले आए तो वन और टू के बीच इंटरचेंज होगा 90 डिग्री का हमने कर दिया अब दोनों ग्रुप अपनी राइट पोजीशन के ऊपर आ गए कई बार आप गलती यही कर देते हैं राइट पोजीशन पे आते ही साथ आप इसका आंसर बता देते हैं आपको ऐसा नहीं करना हमने फिर से आपको याद दिला दें कि फिशर प्रोजेक्शन के अंदर 90 डिग्री की रोटेशन कर देंगे तो कॉन्फिग्रेशन रिवर्स हो जाती है तो आपको क्या करना है आपको वन एक और नाइन्टी डिग्री की रोटेशन करनी ही होगी एक और करेंगे वन और फोर को डिस्टर्ब करना नहीं टू और थ्री के बीच करेंगे टू की जगह थ्री थ्री की जगह टू आ जाएगा और अब प्रायोरिटी ग्रुप को आप हाइड कर के two, two के वाला आपको दिखे क्योंकि को तो आप भूल जाए हाइड कर दिया तो वन के बाद टू कैसे दिखता है वो दिखता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसलिए अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी आई रोटेट करे विल बी आर तो इस कंपाउंड की कॉन्गेशन हो गई है आर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम इसमें आप देखें दोबारा से रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है दोनों रिंग एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हैं कोई भी प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं है किसी भी रिंग भी भी और आल है ये थी स्टार्टिंग चीजें जो हमें किसी कंपाउंड के अंदर देखनी होती है देख एट्रोपाइसोमिज्म की प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं मीन्स इस कंपाउंड के अंदर हम आर और एस कॉन्डिशन को डिटरमाइन कर सकते हैं अब इसको व्यू करेंगे मोलिक्यूल को फ्रॉम द वन साइड जैसे बॉटम साइड में हम देख रहे हैं उसके बाद अपर वाला जो रिंग है उसके अंदर हम प्रायोरिटी देखेंगे जैसे उसमें तो डायरेक्ट ही दिख रहा है सी एस ग्रुप है और एक साइड में एच है तो इसलिए अब हम क्या करेंगे क्यों प्रायोरिटी बोलो किसकी वन हो जाएगी सी एस ग्रुप की एच की नंबर टू नीचे वाले ग्रुप में भी डायरेक्ट दिख रहा है कि सीओ एच में सी की प्रायोरिटी कम है एनओ टू ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन का एटोमिक नंबर सेवन सी एच का एटोमिक नंबर सिक्स है हमें आगे ऐसा कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं होती ये तो सिर्फ हम आपको समझा रहे थे रिमोमराइज करवा रहे थे कि पीछे हम कैसे करते थे अदरवाइज हमारा काम यहीं से चल जाता है सी एच थ्री में सिर्फ देखना है सी एच में भी नंबर देखना एनओ टू ग्रुप के अंदर भी अगर हम देखते हैं जैसे एन का सेवन था दो ऑक्सीजन जो है एक डबल बॉन्ड से अटैच था एक सिंगल बॉन्ड से तो वो हमने देखा यहाँ पे सेवन से काम चल गया हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर वन हमने लिख दिया अब हम प्रायोरिटी करेंगे ओ, अपर जो रिंग है फिनाइल ग्रुप उसमें नंबर वन प्रायोरिटी सी एस ग्रुप की और नंबर टू प्रायोरिटी एच की हमने वन टू लिख दिया नीचे वाले में नंबर थ्री अब किसको दे नंबर थ्री जाएगा एनओ टू ग्रुप को नंबर फोर जाएगा सीएच ग्रुप को उसके बाद हम फीसर प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे क्रॉस लगाएंगे क्रॉस लगाने के बाद राइट टॉप कॉर्नर ग्रुप थ्री ग्रुप है उसके बाद नाउ मूव द राइट बॉटम कॉर्नर ग्रुप जो सी एच ग्रुप है फोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है टूवर्स द बॉटम ने लिख दिया उसके बाद नाउ मूव द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ग्रुप टूअर्स द लेफ्ट हैंड साइड जो एनओ टू ग्रुप था नंबर थी उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया उसके बाद नाउ मूव द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ग्रुप दैट इज़ द एच एटम उसको उसकी प्रायोरिटी टू है उसको हमने कहां पे पहुंचा दिया उसको हम पहुंचा देंगे बोलो कहां पे एट द टॉप उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे अब हमें देखना है इनकी राइट पोजीशन डिफरेंट प्रायोरिटी ग्रुप की राइट right पोजीशन क्या है इनकी राइट right पोजीशन क्या है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसकी क्या है राइट हैंड साइड वो पहले से राइट हैंड साइड में है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप की बॉटम वो पहले से बॉटम के ऊपर है तो क्या अब हमें यहाँ पे कोई इंटरचेंज करने की जरूरत है देर इज नो नीड टू कोज एनी ऑफ द इंटरचेंज ऑलरेडी जो आपके डिफरेंट ग्रुप थे हाइएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑलरेडी ही राइट हैंड साइड में है लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑलरेडी बॉटम के ऊपर है तो इसीलिए डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे बोलो इसको हाइड करें लोएस्ट पार्टी ग्रुप को वन के बाद टू टू के बाद थ्री तो अवर आई विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो द देशन विल बी एस सिमिलरली आर एस कॉन्गेशन देखो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है आप इनकी प्रैक्टिस करें मैंने अभी आपको बता ही दिया था यही थ्री एग्जाम्पल की मैंने प्रैक्टिस अभी आपको करवाई थी नेक्स्ट हम देखते हैं आर एस कॉन्गिगेशन आपके किस चीज के अंदर एलियंस के अंदर फिर वही चीज क्या जो आपके कॉर्नर कार्बन एटम है क्या वहां पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्री नहीं है इट मींस इस कंपाउंड के अंदर हम एट्रोपाइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं आर एस कॉन्गेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल ये आपके स्पायरो कंपाउंड है आप देखें जो आपके कार्बन दोनों जो रिंग है क्या उसके अंदर कोई सिमिट्री तो नहीं कोई सिमिट्री नहीं है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं दोनों ही रिंग के अंदर पहले ऊपर वाले टॉप रिंग में देखें तो एक साइड में एच है लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में इथाइल ग्रुप है लोएस्ट रिंग को देखें लोअर बॉटम वाले रिंग को देखें तो एक साइड में एनो टू है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है जो अबोधी प्लेन है सोलिड लाइन से शो किया सोलिड लाइन से क्यों शो किया डोटेड लाइन से क्यों शो किया इसलिए किया क्योंकि जो दोनों रिंग है एक दूसरे के प्लेन में नहीं है जो ये दो बाइसाइकली बाईसाइकिल जो 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 कंपाउंड है 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 इनमें दोनों रिंग 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 हैं ये एक 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 ही प्लेन में नहीं दे आर परपेंडिकुलर अदर तो इसी एक रिंग तो इसीलिए हमने के अंदर क्या शो किया है? करते हुए कि अपर वाले जो रिंग है, उसमें और जो इथाइल ग्रुप है दे आर प्रेजेंट इन द प्लेन और नीचे वाले रिंग में कोई भी नहीं है वन और दा सबसे अपर वाले पार्ट के देखें। वैसे साफ साफ देखो ही रहा है लेकिन हम पीछे की चीज आपको याद दिलाने के लिए बताते रहते हैं कि कार्बन अटैच एटम कार्बन ही था उससे दो आगे हाइड्रोजन अटैच थे दे देखो सी एच टू वन प्लस वन एक कार्बन है तो टोटल आंसर फोर्टीन इसकी आवश्यकता नहीं थी सिर्फ कार्बन से ही पता चल गया आइटम नंबर सिक्स है दूसरी साइड में हाइड्रोजन उसके एटोमिक नंबर वन है नीचे अगर देखें ऐसे मिथाइल और एनओ टू में भी देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं डायरेक्ट पता चल रहा है कि यहाँ पेटोमिक नंबर सिक्स है कार्बन का एनओ टू में सेवन है तो हाइएस्ट प्रायरिटी ग्रुप एनओ टू ग्रुप की है एज कम्पेयर टू सी एस थ्री लेकिन फिर भी अगर फर्दर देखना पड़ जाए कभी हो सकता है ऐसा कोई एग्जाम्पल आ जाए तो कैसे देखते हैं कार्बन से थ्री हाइड्रोजन एटेस्ट थे तो वन प्लस वन प्लस वन तो नाइन आंसर आ जाएगा उस वक्त एनओ टू में देखें हाइड्रोजन की देखो प्रायोरिटी हमने क्या रखी टू और इथाइल ग्रुप की क्या रखेंगे वन फोर किसकी रखेंगे सी एस थ्री की और थ्री किसकी रखेंगे NO2 की की हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं अब cross draw करें फॉर्म में लिखेंगे और फिर क्या करेंगे जो move the right top corner group, कौन है highest priority वाला group, towards the right hand side, हमने projection में लिख दिया उसके बाद नाउ मूव द राइट बॉटम कॉर्नर ग्रुप दी एस थ्री द बॉटम हमने बॉटम के ऊपर लिख दिया देखो फिशर प्रोजेक्शन में उसके बाद नाउ मूव द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ग्रुप द एनो टू ग्रुप

तो इस गिवन कंपाउंड की कॉन्ग्रेशन एस हो गई हम नेक्स्ट देखते हैं अपने स्पायरो कंपाउंड का एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर से देखा कि इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है दोनों रिंग के ऊपर और ओवरऑल भी इसके अंदर कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है क्योंकि दीस टू रिंग आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वो कैसे हमने पता चला कि परपेंडिकुलर है क्योंकि एक रिंग में अपर रिंग में देखें

उसी टाइप से बेसिक रूल कि व्यू द मोलिक्यूल फ्रॉम वन साइड नाउ असाइन द प्रायोरिटी ऑफ द फोर ग्रुप्स प्रेजेंट इन टू रिंग्स सबसे पहले अपर वाले रिंग में वन टू प्रायोरिटी हम चेक करेंगे उसी टाइप से देखो इथाइल का एटॉमिक नंबर सिक्स है डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है उधर आपका कौन है एच तो प्रायोरिटी वन मिलेगी थाइल ग्रुप को टू मिलेगी एच को उस और फर्दर अगर देखना चाहे तो वही प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं कार्बन से दो एच अटैच है एक कार्बन है तो आंसर आएगा लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं हमारा तो सिर्फ कार्बन से काम चल गया था जो एट था जो डायरेक्टली अटैच सिमिलरली नीचे वाले मिथाइल में हमारा कार्बन से काम चल गया लेकिन फर्दर अगर पूरे ग्रुप की देखना पड़े तो नाइन आंसर आ जाता है तो प्रायोरिटी बोलो नंबर वन किसकी होगी इथाइल ग्रुप की टू किसकी होगी आपके एच की अब नीचे वाले रिंग में देखें बोलो थ्री किसकी होगी एन टू ग्रुप की फोर किसकी होगी आपके मिथाइल ग्रुप की अब उसके बाद क्या करते हैं अब एक क्रॉस ड्रा करेंगे फिशर प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे उसमें क्या करेंगे नाउ मूव द राइट टॉप कॉर्नर ग्रुप टूअर्ड द राइट हैंड साइड तो प्रायोरिटी नंबर वन का आ गया यहाँ पे उसके बाद नाउ मूव द राइट बॉटम कॉर्नर ग्रुप टूवर्ड्स द बॉटम देखो बॉटम के ऊपर हमारा सी एस थ्री लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आ गया नाउ मूव द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ग्रुप टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड तो थ्री प्रायोरिटी का आ गया नाउ मूव द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ग्रुप दैट इज द एच टॉप उसके बाद नाउ चेक वेदर दीज डिफरेंट प्रायोरिटी ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द राइट पोजिशन और नॉट जैसे हमने चेक किया इस प्रोजेक्शन में तो हमें क्या दिखाई दिया ऑल ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट द राइट पोजिशन ऑल नहीं हमें तो सिर्फ दो ही ग्रुप को देखना होता है एक तो हाइएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और एक लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो जो हाएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हाएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पे आपका दैट इज द राइट हैंड साइड और जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहां पे है टूवर्स द बॉटम तो अब हमें इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं कोई इंटरचेंज नहीं करना नाउ सिंपली हाइड द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नाउ रोटेट द आई फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टुवर्ड्स द लोएस्ट वन मींस प्रायोरिटी नंबर 1 टू टू 2 3 की तरफ आप मूव करें आई को आपने देखा आवर आई विल रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सो द कॉन्गेशन विल बी एस तो इस स्टेप से आपने देखा कि वो कंडीशन क्या थी कि जब हम एट्रोप आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी को स्टडी कर ही सकते हैं ये एक तरह की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थी जैसे मैंने आपको बताया और लेकिन वो स्टडी हमने की आपके तीन कंपाउंड में आपके बाइफिनाइल्स के अंदर के अंदर और फिर स्पायरो कंपाउंड में और फिर उसके अंदर कंडीशन देखी कब ये कंपाउंड आपके को शो कर पाएंगे कब हम इनमें फर्दर हम कैसे फिशर प्रोजेक्शन को ड्रा करते हैं और फिर बेसिक रूल तो हम आपका जो सिक्वेंस रूल थे वो पहले ही आपको बता चुके थे पिछले लेक्चर में भी तो इस टाइप से ये था आपके कंप्लीट एट्रोपाइसोमिज्म के बारे में सो दैट ऑल अबाउट the atropisomerism and how can we determine the r and s configuration in these three compounds that is the biphenyl alenes and the spiro compound thank you that all about the today's lecture